हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपके भी अपने चैनल में। दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ किडनी फेलियर के बारे में। किडनी फेलियर से रिलेटेड क्वेश्चन आप में से एक व्यूअर ने हमसे पूछा था कि मैडम किडनी फेलियर पर वीडियो बनाइए, तो हम आज प्रिपेयर करके आ गए हैं। दोस्तों, किडनी को हिंदी में गुर्दों के नाम से जाना जाता है। किडनी फेल हो जाना मतलब गुर्दा फेल हो जाना, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में किडनी को कहा जाता है रीनल फेलियर कहा जाएगा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हिंदी में कहा जाएगा कि आपके गुर्दे फेल हो गए, और नॉर्मली सब लोग जानते हैं किडनी फेल हो जाना। किडनी का काम है सारे दूषित चीज़ों को फिल्टर करके पेशाब के थ्रू बाहर निकालना। दोस्तों, किडनी के नॉर्मल फंक्शन क्या होते हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि किडनी के नॉर्मल फंक्शन क्या हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप नॉर्मल नहीं समझेंगे तो उसकी डिसीज कंडीशन आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगी, तो नॉर्मल फंक्शन वाली वीडियो आप ज़रूर चेक करें। दोस्तों, क्या होता है किडनी फेलियर में गुर्दों का काम फिल्ट्रेशन करने का है। अब जब इसी में वो अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, कोई रुकावट आ रही है उसमें, कोई वहाँ पर जो इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई हो रही है, वहाँ पर कोई स्टोन हो गया है, वहाँ पर कोई सी कंडीशन ऐसी आ रही है जहाँ पर गुर्दे अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको रीनल फेलियर कहा जाएगा। दोस्तों, मीन्स किडनी फेलियर कहा जाएगा। तो अब ये रुकावट क्यों आ रही है? दोस्तों, किडनी फेलियर दो तरीके के होते हैं। दोस्तों, एक्यूट किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी फेलियर। दोस्तों, एक्यूट किडनी फेलियर एक ऐसी कंडीशन होती है सडनली आपकी किडनी वर्क करना बंद कर देती है, मीन्स सडनली आपकी किडनी अच्छे से फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर पाती है। क्रॉनिक किडनी फेलियर, क्रॉनिक जहाँ पर भी जुड़ जाएगा मतलब पुराना, और एक्यूट कहीं पर भी जुड़ जाएगा दोस्तों मतलब नया। एक्यूट कंडीशन मीन्स नई और फ्रेश कंडीशन है दोस्तों, वो सडन हुई, और क्रॉनिक मतलब पुरानी कंडीशन। क्रॉनिक किडनी फेलियर में ये होता है दोस्तों कि आपको कोई डायबिटीज़ हुई है, कोई सर्टेन ड्रग्स आपने ली हैं, कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपकी एज की प्रॉब्लम है, मतलब कोई सडन आपकी उसके अंदर कोई अंडरलाइन कॉज है, कोई डिसीज़ है, वो डिसीज़ आपकी लंबे समय से चली आ रही है, आप उसकी दवाइयाँ लेते चले जा रहे हैं, और ऐसे में आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ गया है जिस वजह से आपकी किडनी फेल हो गई है। इसका मतलब ये होता है क्रॉनिक किडनी फेलियर। क्रॉनिक किडनी फेलियर को शॉर्ट टर्म में कहा जाता है CKD, और एक्यूट किडनी फेलियर को AKD, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में किडनी को रीनल कहते हैं, तो इसमें ARF हो जाएगा, एक्यूट रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर मतलब CRF। दोस्तों, अब ये एक्यूट मैंने बताया सडन आपका किडनी ने फंक्शनिंग उसकी रुक गई है, क्रॉनिक मतलब कोई उसमें कोई कॉज है, कोई वजह है, किसी बीमारी की वजह से काफ़ी समय से आप कोई दवाएँ ले रहे थे, कोई प्रॉब्लम हो रही थी जिस वजह से आपकी किडनी पे इफेक्ट कर गया, धीरे 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 इसमें ओवरलोडेड वर्क करना बंद कर दिया है। अब ये क्या क्या कारण होते हैं जो किडनी एकदम से आपकी फंक्शनिंग करने में डिस्टर्बेंस आने लगती है? फर्स्ट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, सीवियर डिहाइड्रेशन। मीन्स आपने सही तरीके से जितनी क्वांटिटी आपको पानी की चाहिए आपको पीना चाहिए। दोस्तों, मैं कई बार आपको UTI की वीडियो में भी बताया है किडनी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन मतलब वाटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको, जैसे किसी मशीन में दोस्तों नई मशीन है, जब तक आप उसमें चलाएंगे नहीं, उसमें ऑयल नहीं डालेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी। ऐसे नई मशीन अगर पड़ी रहेगी तो इसमें जंग लग जाएगी। ऐसे ही किडनी को वाटर की ज़रूरत होती है, आप सही मात्रा में सही क्वांटिटी में पानी पियेंगे तो वो अपना अच्छे से टॉक्सिन्स रिमूव कर पाएगी कि कितने बॉडी में रखना है, क्या क्या चीज़ें फ्रेश हैं, क्या क्या चीज़ें टॉक्सिन्स हैं, क्या क्या रिमूव करना है, तो अच्छे से फिल्ट्रेशन कर पाएगी। तो अगर आप पानी सही से नहीं पीते हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से कई सारे लोगों को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। फर्स्ट इज़ द कॉज। सेकंड जो कॉज है दोस्तों, सर्टेन ड्रग्स होती हैं जो किडनी पे इफ़ेक्ट करती हैं। कुछ ड्रग काफ़ी लंबे समय से आप ले रहे हैं तो वहाँ आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट करने लगती हैं, तो ऐसे कई सारे ड्रग्स हैं जो आप काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं, तो ये क्रॉनिक वाली प्रॉब्लम आ जाती हैं, किडनी पे इफ़ेक्ट करती हैं। थर्ड जो कॉज होता है दोस्तों, डायबिटीज़। मैंने आपको बताया डायबिटीज़ की वजह से भी कई सारे लोग को डायबिटिक नेफ्रोपैथी, आपने सुना होगा, नेफ्रोपैथी मतलब किडनी के नेफ्रॉन्स में जो उसकी पाइप्स होती हैं उसमें इफेक्ट करने लगती है, डायबिटीज़ की वजह से किडनी में इफेक्ट करने लगती है। अनदर कॉज इज़ हाइपरटेंशन दोस्तों,
हाइपरटेंशन की वजह से भी कई बार क्या होता है, सोडियम वाटर का अच्छे से बैलेंस नहीं हो पाता है, इस वजह से क्या होता है किडनी की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं कई सारे लोगों को, क्योंकि कई बार मेडिसिन चेंज करने की वजह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वो किडनी पे अफेक्ट करने लगती हैं। अनदर कॉज जो सभी लोग कर ही रहे हैं, अपने खान पान का ध्यान ना रखना। दोस्तों खान पान का ध्यान ना रखना, पानी तो बता ही दिया आप पीते नहीं हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। मीन्स कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है ज़्यादा अपनी डाइट में नमकीन मतलब सोडियम और मीठा लेने की आदत होती है, या ना लिया करें। एक्सेस अमाउंट में आप सोडियम और शुगर लेते हैं तो इसमें किडनी को प्रॉब्लम होती है, इन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सपेल करने में तो किडनी में प्रॉब्लम होने लगती है। दोस्तों कुछ कुछ लोगों को स्टोन की वजह से भी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि स्टोन उनका इतना बड़ा हो जाता है वहाँ पर रुकावट आने लगती है तो किडनी वाले प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। दोस्तों ये सिंपल सिंपल कॉज हैं जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, जिस वजह से आपको किडनी प्रॉब्लम होने लगती है। एक्यूट कंडीशन मैंने आपको बताई सडन होती है, बट ज़्यादातर लोगों को क्रॉनिक वाली प्रॉब्लम ही देखने को मिलती है। मीन्स CKD क्रॉनिक किडनी डिसीज, कि आपको कोई लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी बीमारी, रेदर इज़ व्हाट्स डायबिटीज़, रेदर इज़ हाइपरटेंशन, कुछ भी आपको कोई बीमारी चली आ रही थी जिस वजह से आपके किडनी पर इफ़ेक्ट हो गया है, किडनी पर कुछ ड्रग्स का इफ़ेक्ट हो गया है जिस वजह से आपको CKD की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर जब आपको पानी की ज़रूरत थी उतनी मात्रा में आपने नहीं पिया है, आपका खान पान ठीक नहीं है, जिस वजह से आपको किडनी की प्रॉब्लम हो गई है। दोस्तों अब सिम्टम यानी लक्षण क्या देखने को मिलते हैं आपको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में यानी किडनी की बीमारियों में। दोस्तों जैसा कि किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करने का, तो अगर सोडियम वाटर अच्छे से बाहर नहीं निकल पाएगा तो गुर्दे की बीमारियों में लोगों को लक्षण देखने को मिलते हैं कि उनकी एंकल यानी टखनों में सूजन आ जाना। ये सूजन टखनों में ज़्यादातर देखने को मिलती है, कई लोगों के चेहरों पर उनकी आँखों के नीचे भी सूजन देखने को मिलती है। ये क्या होता है कि सोडियम वाटर अच्छे से बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि किडनी का है सोडियम वाटर का बैलेंस बना के रखना, तो वो अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता। इस वजह से क्या होता है जो कि आपके बॉडी के फ्लूड्स इकट्ठे होने लगते हैं सोडियम वाटर में, एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं, जिस वजह से ये लक्षण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है गुर्दे की बीमारियों में। आपके टखनों में सूजन आना, आपके चेहरे में सूजन आना, आपकी आँखों के नीचे सूजन आना, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दूसरा किडनी की बात है, गुर्दों की बात है, तो ऑब्वियसली यूरिन यानी पेशाब की बात होगी। कुछ सारे लोगों को क्या होता है कि उनको सेंसेशंस होते हैं कि यूरिन आ रहा है, बट वो करने जाते हैं तो उनको यूरिन पास आउट नहीं हो पाता है, खुल के यूरिन ना आना, क्योंकि यूरिन बाहर नहीं आ पा रहा, रुकावट हो रही है। अगर आता है तो जलन और दर्द होता है, कुछ एल्बुमिन या मवाद लिए हुआ रहता है, यूरिनेशन वाली प्रॉब्लम्स होने लगती है, कमर में दर्द होने लगता है क्योंकि किडनी आपकी इधर एक्साइड होती है, इस वजह से लोगों को दर्द होने लगता है। लोगों में वीकनेस कमज़ोरी होने लगती है, क्योंकि उनका अच्छे से जो टॉक्सिन्स बाहर निकलने थे वो नहीं निकल पाते, इस वजह से लोगों में कमज़ोरी, थकान, जी मचलाना इज़ ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ किडनी फेलियर। दोस्तों ऑल्सो ये कंडीशन देखने को मिलती है, कुछ सारे लोगों को स्किन में रैशेज देखने को मिलते हैं, इनकी स्किन में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ये आपके हो गए कि किडनी ने अच्छे से काम ना करा, उसको जितना टॉक्सिन्स बाहर निकालने थे कोई रुकावट आ गई है, तो ये किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है। ये दो तरीके की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक, मैंने आपको बता दिया। क्रॉनिक मतलब पुराना, एक्यूट मतलब नया। क्रॉनिक पुराना मतलब कोई डिसीज़ आपके दबी हुई डिसीज़ कंडीशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है आपको। और मैंने आपको बताया कि किडनी का काम है बाहर निकालना, आपने पानी ना पिया तो उसमें ये प्रॉब्लम होने लगती है, लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिंस की ओर, कि कौन से होम्योपैथिक मेडिसिंस होती हैं जो आपके किडनी फेलियर में आपको मदद करती हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताने से पहले आपको ये कह रही हूँ दोस्तों कि ऐसे जो कंडीशंस होती हैं ना, प्लीज़ आप अपने सिम्टम्स मैच करके मेडिसिन मत लिया करिए दोस्तों, डॉक्टर से कंसल्ट करके लिया करिए। एक बार कंसल्ट कर लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से जानता है, और हर एक इंसान का कंसल्ट और हर एक इंसान का सिम्टम अलग होता है दोस्तों। होम्योपैथिक लक्षणों पर डिपेंड होती है, सिम्टम पर डिपेंड होती है। हम सिम्टम हम आपको एक वीडियो में सभी डॉक्टर सारी वीडियोज सारी मेडिसिन नहीं बता पाएंगे हेड टू टो, जब तक वो पूरी केस टेकिंग ना कर ले। हम आपको पूरा ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं, बट जैसा पेशेंट उस वक्त जो सिम्टम है उसके हिसाब से ही उसको मेडिसिन
प्रिस्क्राइब की जाती है, इसलिए कंसल्ट कर लिया करिए एक बार। फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों एपिस मेल्फिका। दोस्तों एपिस मेल्फिका इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर किडनी डिसीजेज। दोस्तों अगर आपको सूजन हो रही है, आपके चेहरे पे सूजन, आपकी आंखों में सूजन, आपको प्यास बिल्कुल नहीं लगती है और साथ ही साथ आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है, खुलकर यूरिन नहीं आ रहा है, ऐसा सेंसेशन हो रहा है कि यूरिन आएगा बट आ नहीं रहा है, सूजन को ठीक करने में, सारी इस चीज़ों को ठीक करने एपिस मेल्फिका इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। दोस्तों अनदर मेडिसिन एपोसाइनम। दोस्तों कई सारे लोगों को क्या होता है कि हार्ट की बीमारियों की वजह से भी किडनी पे इफेक्ट करने लगता है, जिस वजह से उनको सूजन होने लगती है, तो एपोसाइनम इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर रिड्यूस योर स्वेलिंग, ऑल्सो यूरिन की प्रॉब्लम को ठीक करने में एपोसाइनम मदद करती है। दोस्तों थर्ड मेडिसिन इज कैंथेरीस। दोस्तों कैंथेरीस इज बहुत अच्छी मेडिसिन। दोस्तों आपको बूंद बूंद करके पेशाब आ रहा है, खुल के पेशाब नहीं आ रहा, पेशाब में जलन हो रही है, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, सारी चीज़ों को ठीक करने में मदद करती है कैंथेरीस मेडिसिन। दोस्तों फोर्थ मेडिसिन इज प्लम्बम मेड। दोस्तों प्लम्बम मेड इज द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन ऑफ द क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, मतलब जो आपके ट्यूब्स में पाइप्स में आप सूजन आ जाती है, सूजन को ठीक करने में प्लम्बम मेड मदद करती है। ऐसा आपको दर्द होता है पेट में, जैसे अंदर कुछ खींचा चला जा रहा है, इस तरीके का आपको सेंसेशंस महसूस होते हैं, आपके यूरिन में एल्बुमिन आना, एल्बुमिन की प्रॉब्लम होना, यूरिन में सही से पास आउट ना होना, प्लम्बम मेड इज आल्सो अ गुड मेडिसिन फॉर किडनी डिजीज। दोस्तों अनदर मेडिसिन इज टेरिबेंथिन। दोस्तों टेरिबेंथिन इज द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। आपके पेशाब में गंध आ रही है, मीठी गंध आ रही है, कई बार लोगों के पेशाब में खून आने लगता है, एल्बुमिन आने लगता है, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होने लगती है, सारी नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम, सारी जो किडनी प्रॉब्लम होती है टेरिबेंथिन बहुत अच्छे से ठीक करती है। दोस्तों अनदर मेडिसिन इज कोपाइवा। दोस्तों कोपाइवा इज द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द किडनी डिसीजेस, यूरिनेशन की प्रॉब्लम, यूरिनेशन में जलन होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे वर्क करती है कोपाइवा, ये होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन लक्षणों के आधार पर कितने अच्छे से आपको किडनी की बीमारियों से ठीक करती है। दोस्तों उसमें क्या होता है, जो रुकावट आ रही है उस रुकावट को ठीक करने का काम करती है होम्योपैथिक दवाएं। जो आपका सोडियम वाटर रिटेंशन होगा, जिसमें मैंने आपको बताया एपिसमेल एपोसाइनम, जो है सूजन इकट्ठी हो गई है, सूजन को कम करके सोडियम वाटर का बैलेंस करने में मदद करती है ये दवाएँ। दोस्तों किसी बीमारी की वजह से आपको सूजन आ रही है, किडनी में इफेक्ट हो गया है, कहीं रुकावट यूरिन खोल के नहीं हो पा रहा, तो वो यूरिन खोल के आपका टॉक्सिन्स बॉडी से निकालने का काम करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों बहुत अच्छे से आपको ये किडनी की बीमारियों में हेल्पफुल होती है दवाएं। दोस्तों ऑल्सो मैं आपको टिप्स बताती हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, बॉयल करके छान के वाटर पीजिए। दोस्तों ऐसा नहीं है प्यूरीफायर इलेक्ट्रिसिटी से करता है, सिंपली आप बॉयल करिए, छान के अच्छे से ज़्यादा पानी पीजिए, ताकि अच्छे से अच्छे टॉक्सिन्स आपके बाहर निकले पाए। सेकेंड आपका टिप्स है कि अगर आपको यूरिन आता है तो उसको ज़्यादा देर तक रोक कर नहीं रखिए, क्योंकि यूरिन में चीज़ें टॉक्सिन्स होती हैं बाहर निकलने के लिए। दोस्तों इसलिए जब आपको नेचर कॉल आए आप यूरिन पास करें, उसको देर तक रोक कर ना रखें। दोस्तों सिट्रिक एसिड वाली चीज़ें, आंवला है, ये सब चीज़ें अपने खाने में रखें, जो कि बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे किडनी फेलियर का वीडियो। दोस्तों आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।